चुनावी साल के चलते खाद्य सुरक्षा बिल को भले ही आनन फानन में लागू कर दिया गया हो, लेकिन इस योजना को देश भर में सुचारू रूप से लागू करना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं कि इस योजना का खर्च उनके ऊपर ना लादा जाए। योजना गरीबों की हमदर्द कम सियासी ज्यादा है, लिहाजा पैसे का इंतजाम भी केंद्र को करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी बिल लागू होने से सरकार पर वित्त वर्ष 2014 में 1.24 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा अतिरिक्त फूड सब्सिडी 23,800 करोड़ रुपए की होगी। आर्थिक जानकारों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने से चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा 4.8% के लक्ष्य से 0.5% बढ़ सकता है। इससे सरकार और आम आदमी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंगापुर की एक आर्थिक एजेंसी के मुताबिक सब्सिडी बिल बढ़कर जीडीपी के 2.3% तक पहुंच सकता है, जो 1.9% के लक्ष्य से काफी ऊपर है। सब्सिडी बिल में बढ़ोतरी की मुख्य वजह व्यापक स्तर पर खाद्य सब्सिडी होगी। राजकोषीय मोर्चे पर रुपये में गिरावट और बाद में कच्चे तेल में तेजी आग में घी डालने जैसा काम करेगी, यानी इस योजना के लागू होने पर पहले से बेलगाम महंगाई आम आदमी के जेब को और ढीली करेगी। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर चिंता की बात यह है कि इससे सरकार को ज्यादा अनाज की खरीद करनी पड़ेगी, लिहाजा खुले बाजार में अनाज की किल्लत हो सकती है। साथ ही खाद्य महंगाई दर में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो सकती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के जरिए बिक्री से कालाबाजारी भी बढ़ेगी। वहीं सरकारी गोदामों में जरूरी भंडारण की क्षमता नहीं है। खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करना भी इतना आसान नहीं है। कड़ी मशक्कत के बाद भी सरकार इस योजना को 4-5 महीने में लागू कर पाएगी ऐसा भी पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लाभार्थियों की लिस्ट तैयार नहीं है। अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि देश में गरीबों की वास्तविक संख्या कितनी है। ऐसे में योजना को देश भर में लागू करने में वक्त लगेगा। इस योजना को लेकर राज्यों के बीच मतभेद तो पहले से ही है। खाद्य सुरक्षा बिल गरीबों के लिए फायदे का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुश्किलों से घिरी हमारी अर्थव्यवस्था क्या अभी भारी भरकम सब्सिडी बोझ को झेल पाने की हालत में है, ये सवाल सबसे बड़ा है। इसलिए आर्थिक पंडित कह रहे हैं कि ये बिल सरकार बिना तैयारी के लेकर आई है, इसलिए इस योजना को लागू करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट A2Z न्यूज़।